हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 11th ऑफ अगस्त से लेके 17th ऑफ अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर लिब्रास। Knight of Wands, Nine of Swords, Ace of Wands, The Fool, and King of Wands. Okay. तो हमारे पास है Ace of Wands. Ace of Wands के साथ इस वीक में कुछ चीज़ें जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी थी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लग रहा था पॉसिबल नहीं है, वो आपको होते हुए दिखाई देंगी। आई थिंक ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, धीरे धीरे करके किंग ऑफ वॉन्ड्स में बदल रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स उस एनर्जी को दर्शाता है जब आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं किसी चीज़ के बारे में, या इमेच्योर होते हैं या केयरलेस होते हैं। तो अगर ये पर्सन अभी तक आपकी बात नहीं समझ रहा था, अगर कोई बात आप चाहते थे कि ये बात आपकी सुने और समझे, एंड अगर आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं मिल रहा था या ये पर्सन इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने के लिए तैयार नहीं था, तो आपको कुछ सरप्राइजेस जरूर मिल सकते हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ आप नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ बहुत बुरे वक्त से गुजरे हैं। आपने ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ अपना इन्वेस्ट भी किया है, एंड ऑफकोर्स ये जो भी आपने इस रिलेशनशिप में दिया है वो सब कुछ वापस आएगा। चारों आपसे कह रहा है कि फिलहाल वक्त थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आप अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। हो सकता है अभी रिसेंटली ही आपकी इनसे कमिटमेंट पे बात हुई हो और इस पर्सन ने कोई एक्सक्यूज दे दिया हो, या आपसे ये कहा हो कि वो अभी इसके बारे में सोच नहीं रहे, या ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। चाहे उनका जवाब जो भी था, वो जो भी कह चुके हैं वो जल्दी ही आपको बदलता हुआ नजर आएगा। ओके, यहाँ नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आई थिंक आप इस समय बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं या बहुत हरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, और जो कुछ भी आपके मन में है इस वक्त उससे आपको फिलहाल किसी तरीके से अपने मन से बाहर निकालने की ज़रूरत है। या तो आप किसी से बात करें, या कहीं लिखें इन चीज़ों को, या कुछ ऐसा करें जिससे आपको शांति मिले। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये वक्त है कुछ मैनिफेस्ट करने का, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इतने दिनों से वो वर्क करेगा। तो आपको हैरानी हो सकती है अगर अचानक से ये पर्सन आपको कॉल करके कहे कि अच्छा चलिए इस पे वर्क करते हैं और मुझे इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना, या इस रिलेशनशिप को हमें आगे ले जाना चाहिए। आपको क्लियरली नो के आने के बाद या आपको एक्सक्यूजेस देने के बाद जब आपको इस तरह की बात सुनने को मिलेगी, तो आप थोड़े सरप्राइज हो सकते हैं। आप सोचने लगेंगे कि इतनी जल्दी क्या बदल गया, आखिर ये पर्सन इतनी जल्दी ऐसे क्यों अपने डिसीजन को चेंज कर रहा है। आई थिंक किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन खुद भी चाहता है अब कमिटमेंट करना, खुद भी चाहता है स्टेबिलिटी, खुद भी सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में सीरियस होकर। बट शायद अभी तक दूसरी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, दूसरे लोगों के ओपिनियन और दूसरे आइडियाज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि इन्हें फ्यूचर में कुछ करना है उसके बाद ही ये शादी करेंगे, या इनके पास कोई जिम्मेदारी हो सकती है जिसे पूरी करने के बाद ही ये शादी करेंगे, या फिर कोई गोल जिससे आप दोनों का फ्यूचर सेफ रहे फाइनेंसेस को लेके, या किसी भी तरीके का हो सकता है। तो ये पर्सन अब ये समझ रहा है कि अगर वो किसी ऐसे दिन का इंतज़ार करेंगे जिस दिन सब कुछ सही होगा और सब कुछ उनके अकॉर्डिंग होगा, तब जाके वो आपको प्रपोज करेंगे या तब जाके वो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाएंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। इस पर्सन को समझ में आ गया है कि परफेक्शन हमें ढूंढनी पड़ती है, परफेक्शन होती नहीं है कहीं भी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एक चीज़ जो किसी के लिए परफेक्ट हो सकती है, दूसरे पर्सन के लिए वो परफेक्ट नहीं होगी। द फूल के कार्ड के साथ यहाँ पे चीज़ों को चेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया, ये पर्सन समझ गया है।
उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके लिए अपने हालातों को बदलना ज़रूरी है, उनके लिए अपने लाइफ को एक डायरेक्शन देना ज़रूरी है, उनके लिए वो सब कुछ करना ज़रूरी है जो वो अब तक नहीं कर पाए। अगर बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे तो सिर्फ गवाएंगे ही और कुछ मिलेगा नहीं। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 के फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। टेम्परेंस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, टेम्परेंस, टेम्परेंस आपके रीडिंग में एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट लेके आ रहा है। एक ऐसा शिफ्ट जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं या उम्मीद ही छोड़ दी थी। ये टेम्परेंस आपके रिलेशनशिप को बहुत आगे ले जाने वाला है। इस रिलेशनशिप को इतना ट्रांसफॉर्म कर देगा कि आपको लगेगा कि शायद अब आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हो ही जाएंगी। आपका ड्रीम बहुत क्लोज है। बड़ी अजीब बात हो सकती है आपके लिए ये सोचना कि जब आपको लग रहा है कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, तभी कुछ ऐसा होगा जिससे आपको लगने लगेगा कि सिचुएशन बदल रही है। और शायद आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स इंतज़ार का ही कार्ड है। टैरो आपसे कह रहा है कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ये जो बीज आपने बोया है, जो पौधा आपने लगाया है, वो बढ़ेगा और आपको फ्रूट्स देगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है कुछ समय इंतज़ार करने की। सेवन ऑफ सोर्ड्स हालांकि आपसे कह रहा है कि आपको अब अपनी तरफ से डेस्परेट एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको लगातार कुछ ना कुछ करते रहना है या लगातार अपनी तरफ से पुश करते रहना इस पर्सन को। इन्हें इनके हाल पे छोड़िए। ओके, फिलहाल इस पर्सन को वो करने दीजिए जो ये कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इनफैक्ट ये पर्सन जिस तरीके से आपसे दूर जा रहा है, मतलब फिलहाल जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन है, उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि इसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि देख तो वो पीछे ही रहे हैं, पास्ट में ही उनका दिल है। तो इस पर्सन को कुछ चीज़ें रियलाइज होना अभी ज़रूरी है, एंड उसी के लिए यूनिवर्स ने ये टास्क क्रिएट किया है, या कह सकते हैं सिचुएशन क्रिएट की है, ताकि ये पर्सन इन चीज़ों को रियलाइज करे और सीखे। टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ लिब्रा में हैप्पीनेस सेलिब्रेशन देख रही हूँ। ये है लाइफ के उस सेलिब्रेशन के बारे में जो आपके लिए है एंड आपका इंतज़ार कर रहा है। कुछ वेट कीजिए एंड ये टेन ऑफ पेंटिकल्स ज़रूर मैनिफेस्ट होंगे। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स मैनिफेस्ट होने का मतलब है कि शायद नेक्स्ट 10 मंथ्स में ही आप बहुत क्लोज पहुंच जाए शादी के या कमिटमेंट के। ओके, एंड हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहा। ये पर्सन आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता है, ये पर्सन सब कुछ देखना चाहता है, समझना चाहता है। एंड जो भी हो रहा है इस पर्सन के लिए वो एक लेसन लेके आ रहा है। ओके, तो ये पर्सन आपके सामने ना होकर भी आपसे कनेक्टेड ही है, आपके बारे में ही सोच रहा है। एंड ये बात इस पर्सन को रियलाइज होगी जल्द ही कि आप क्या अहमियत रखते हैं उनके जीवन में। ओके, सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये पर्सन दूर जाने की कोशिश कर रहा है, मगर वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा। तो ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि कितने स्ट्रांग इमोशंस हैं इनके लिए, और बाकी सारी चीज़ें ये पर्सन सीखेगा यूनिवर्स से। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है। मैसेज फॉर लेप्रा, राधा, सोल फ्लेम। Rediscover a lost part of yourself. Experience relationship harmony and healing. तो राधा आपको ब्लेसिंग दे रही हैं। आपका जो भी प्यार है वो आपका ही है, या यू कह सकते हैं कि जो भी आपका खो गया है वो वापस आएगा। आपको मिलेगा वो चीज़ जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो पर्सन आपको मिलेगा।
एंड आपके रिलेशनशिप में शांति आएगी, खुशहाली आएगी, पीस एंड हार्मोनी आएगी. ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.